हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी 13C फ़ोन है, तो रेडमी 13C फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन कलर्स है, तो स्क्रीन कलर्स वगैरह को आप कैसे चेंज कर सकते हैं रेडमी 13C फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे आप कलर्स को बदल सकते हैं डिस्प्ले कलर्स को, और डिस्प्ले कलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे रेडमी 13C फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि स्क्रीन कलर्स वगैरह को चेंज कैसे कर सकते हैं और कलर प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे स्क्रीन कलर्स वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं रेडमी 13C फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है रेडमी पर। इसमें कोई ऐसा ऑप्शंस नहीं आता है, तो आपको सर्च करना है कलर स्कीम, तो कलर सेटिंग्स आ जाएगी, जहाँ से कलर स्कीम सेटिंग्स पे जाकर जो भी आप कलरिंग को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विविड कलर कर सकते हैं, जिससे आपका कलरिंग या लाइटिंग हो जाता है। एंड स्टूडेंट कलर्स भी आप कर सकते हैं, ओरिजिनल कलर जो आपका स्क्रीन का होता है इस तरीके से शो करता है। एडवांस सेटिंग्स कलर्स भी कर पाएंगे, और अडेप्टिव कलर्स को भी ऑफ कर सकते हैं, जिससे आप कलरिंग है यहाँ से यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओरिजिनल कलर में आप डिफरेंट टाइप कलरिंग को ऐड कर सकते हैं, इस तरह से कलरिंग को चेंजेस कर सकते हैं। वार्म कर सकते हैं, कूल एंड कस्टम भी कर सकते हैं, डिफ्यूट करते हैं डिफ्यूट भी हो जाएगा आपका कलर। तो इस तरह से स्क्रीन कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं अपने अपने रेडमी फ़ोन में। एंड आप इस पर जाकर भी कलरिंग को बदल सकते हैं। यहाँ से कलरिंग को आप ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, इस तरह से ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। ब्लू एंड येलो कलरिंग भी कर सकते हैं, इस तरह से ब्लू एंड येलो कलरिंग भी हो जाता है। रेड एंड ग्रीन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कलरिंग को चेंज कर सकते हैं और कलर प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं अपने रेडमी 13C फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।